नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने जा रहे भाजपा नेता पर प्राण घातक हमला होने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि भाजपा नेता अपने घर से क्षेत्र में चल रही संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए निकले थे। इस दौरान रास्ते में ही दर्जन भर की संख्या में आए नकाबपोश बदमाशों ने भाजपा नेता पर तलवार और हॉकी से प्राणघातक हमला कर दिया। हमले के बाद भाजपा नेता मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल नेता को तत्काल संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां भाजपा नेता की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के बाद मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सिमरिया से विकसित भारत संकल्प यात्रा में जा रहे थे कुमारा जुड़वाने, देवरी गांव में मोटरसाइकिल में थे। देवरू गांव में हमला कर दिए, रुका गाड़ी, जैसे हम उतरे तो हाकी से वो लिए थे, हाकी लिए थे, तलवार लिए थे। कितने लोग थे वो? 12-13 लोग थे। कोई पहचान के भी? चार मोटरसाइकिल, मुंह बांधे थे सर। आप कहे से आ रहे थे? मोटरसाइकिल से। कितने बजे घटना है? 11 बजे से पौने 11 बजे। आप किस पद पर हैं बीजेपी में? भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। पूर्व मंडल अध्यक्ष। नाम क्या आपका? पूर्व मंडल अध्यक्ष, नाम जयराम अग्निहोत्री है। कहाँ के रहने वाले हैं? देवरी चकदही के। रीवा जिले में इन दिनों बदमाशों के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि आज सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने जा रहे भाजपा नेता पर दिन दहाड़े प्राण घातक हमले की खबर सामने आई है। इस हमले से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य जयराम अग्निहोत्री केंद्र के द्वारा चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे थे। घर से निकलते ही कुछ ही दूर आगे बदमाशों ने पहले तो रास्ता रोका, फिर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। जब तक भाजपा नेता कुछ पूछ पाते तब तक वह गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल नेता को तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज जारी है, लेकिन हालत गंभीर बताई जा रही है। क्या मामला? ये अभी संज्ञान में आया है कि दिनेश थोराडी पर मारपीट हुई है, तो संजय गांधी में अभी इलाज चल रहा है और वहीं पर देहाती नाली से लेने भेजा गया है। जो भी है प्रकरण पंजीबद्ध करके साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नकाबपोश लोग बताया जा रहा है? अज्ञात लोगों के बारे में जानकारी लगी है, जिसमें हमने पतारसी के लिए संजय के साथ मारपीट हुई हो, बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। हाँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी के वो कार्यकर्ता है, ये सब विवेचना का पार्ट है, उसमें ले लिया जाएगा। पीड़ित क्या कह रहा है सर, मारपीट क्यों हुई, कुछ बातें निकले सामने आएंगी? ये उनकी FIR कराई जा रही है।